बॉलीवुड में अक्सर नेपोटिज्म पर बहस छिड़ी रहती है। कई लोगों को लगता है कि बॉलीवुड में फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म का ही बोलबाला है और टैलेंट की कोई कद्र नहीं है, इसलिए आउटसाइडर्स को इतना मौका नहीं मिलता जितना इनसाइडर्स को मौका मिलता है। ऐसे में जब हमारे यानी नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ अध्ययन सुमन ने एक्सक्लूसिव बात की, तो अध्ययन ने हमारे साथ बातचीत में एक ऐसी बात कही है जो नोटिस करने वाली है। अध्ययन सुमन कहते हैं, मैं बॉलीवुड में क्रांति लाना चाहता हूं जिससे टैलेंटेड लोगों को काम मिले। उन्होंने आगे कहा, नए एक्टर को कम से कम एक फेयर मौका मिले, फिर चाहे वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर। अध्ययन, तो कब बजेगी शहनाई, कब मैं आऊंगा आपके घर? यार कौन सी शहनाई ब्रो, शादी कब होगी? शादी? हाँ शादी इतने इतने यंग उम्र में शादी कर लूं? 32 साल का हूं मैं अभी भाई। तो अभी तो तुमको बोलना चाहिए मिस्टर संजय मिश्रा कि अध्ययन सुमन थोड़ा काम करो लाइफ में, नाम शाम कमाओ अपना, उसके बाद जो शादी करना। तो अभी यार जोक से पढ़, अभी तो मेरी अभी यार काम करने की उम्र है। आई थिंक द डोर्स हैव ओपन्ड फॉर मी अगेन इन लाइफ। तो अभी मैं तो शादी तो बहुत दूर की बात है, अभी तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू राइट नाउ। चलिए ये तो हो गई प्यार की बात, अब बात करते हैं लाइफ में कब कब क्रांति आई, क्योंकि क्रांति से मैंने आपको जोड़ के रखा है, कुछ सवाल लिखे हैं। आपकी लाइफ में कौन था जो प्रोफेशनल उसमें क्रांति लेकर आया, पहली बार या अब तक? यार देखो, मैं अभी की बात करूंगा, प्रेजेंट की बात करूंगा, तो ये क्रांति जो है वो प्रकाश झा लाएंगे क्रांति, और वही मेरे लाइफ में क्रांति लेके आए फिलहाल भाई। सो आई बी ऑफ कोर्स आई बी वेरी वेरी एब्सोल्युटली ग्रेटफुल टू प्रकाश सर। तो मेरे अभी जो जो इंसान है वो प्रकाश जी हैं भाई। ठीक है, पर्सनल लाइफ में कौन क्रांति लेकर आया? पर्सनल लाइफ में कौन क्रांति लेके आया मेरे लाइफ में? इट हैज टू बी ऑफ कोर्स मायरा। ऑफ कोर्स एज आई सेड दैट शी इज बीन अ वंडरफुल फ्रेंड टू मी, अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग अ गर्लफ्रेंड, यू नो शी इज बीन अ वंडरफुल कंपेनियन। जब मेरी जिंदगी में मुझे एक दोस्त की जरूरत थी अपने लो फेज पे खराब वक्त पर, तो उन्होंने काफी जो है साथ दिया है, तो वो डेफिनेटली क्रांति लाई है मेरे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। एक क्रांति वाला काम जो आपको ठीक नहीं लगता और आपके जीवन में हुआ है या आसपास हुआ है? एक क्रांति वाला काम जो ठीक नहीं हुआ, आपको लगता है कि ये क्रांति नहीं होनी थी? I don't know यार, ये कैसा सवाल तुमने पूछा मुझसे अभी। क्या क्या मतलब क्रांति, मैं पर्सनल लाइफ और मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूँ? कोई सा भी, आपके जीवन में ऐसा लगता है ये क्रांति जैसी चीज नहीं थी, ये नहीं होना था, अगर इफ यू हैव, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, I don't think कि ऐसा कुछ, I don't think लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है वो। तो ये सवाल मुझे स्किप करना होगा। एक क्रांति वाला काम जो आप करना चाहते हैं और अभी तक किया नहीं है? आई थिंक एक क्रांति वाला काम जो मैं करना चाहता हूँ, आई थिंक मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में जो भी लोग डिजर्विंग हैं और टैलेंटेड हैं, उन्हें एक फेयर मौका मिलना बहुत जरूरी है लाइफ में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंसाइडर हो, आउटसाइडर हो, स्टार किड हो, स्टार किड ना हो, नेपोटिज्म हो ना हो, जो भी हो, लेकिन जो इंसान मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें एक एक टैलेंट है, उसको एक फेयर चांस देना बहुत जरूरी है। तो ये क्रांति मैं डेफिनेटली लाना चाहूंगा कि नए लोगों को मैं मौके देना चाहूंगा लाइफ में अपने।